2017 की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, सीजीएल 2018 के टीयर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है, 2019 के टीयर 2 का पेपर नहीं हुआ है और 2020 के एग्जाम का कुछ नहीं पता, और हमें सपने दिखाए जा रहे हैं सीईटी जो कि 2021 में होगा। प्लीज पहले आप अपने 4 साल का बैकलॉग निपटाइए। मैंने मई 2018 में फॉर्म फिल किया था एसएससी सीजीएल का, उसके एक साल के बाद जून 2019 में हमारा प्री कंडक्ट कराया गया था जिसमें मेरा अच्छा स्कोर था। उसके बाद मेंस कंडक्ट हुआ सितंबर 2019 में, उसमें भी मेरा डिसेंट स्कोर था, तो मुझे लगा था कि चलो इस बार मेरी जॉब कंफर्म है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है जब 29 दिसंबर को हम लोग अपना डिस्क्रिप्टिव देके आते हैं जो कि टीयर 3 है सीजीएल एग्जाम में। उसके बाद आज 250 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। जब पेरेंट्स पूछते हैं कि और कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा, हम लोग अपना कुछ जवाब भी नहीं दे पाते क्योंकि हम लोगों के हाथ में कुछ है ही नहीं। हम लोगों के हाथ में था पढ़ना, नंबर लाना, वो हम कर चुके हैं, नंबर ला चुके हैं। हम केवल गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं कि आपने जो वैकेंसी निकाली है उसके लिए जो कट ऑफ निकाली है, हम लोगों ने मार्क्स लिए हैं, हमें केवल वो जॉब दे दो। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन प्रोसेस, प्लीज़ एक्सपेडाइट द ज्वाइनिंग प्रोसेस एज वेल एंड डोंट प्ले विथ अवर फ्यूचर। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम करवाने में 2 से 3 साल का टाइम दे देती है, जिससे हम जैसे यूथ का एक प्रीसियस टाइम, एक बहुत ही गोल्डन टाइम यूथ एज का निकल जाता है इस एग्जाम को फाइनल करने में। 8 से 9 महीने हो गए, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अवर रिजल्ट्स। ये सिर्फ हम जानते हैं व्हाट काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा एंड फाइनेंशियल बर्डन वी आर फेसिंग। दो हजार 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, 4 साल से बेरोजगारी झेल रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी हमारे सर पे बैठी हुई है इसलिए क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। अभी तक 2017 के काफी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई सीजीएल से, और इस बीच 2018 एग्जाम भी होता है, तो अगर आप प्रोसेस में चल ही रहे हो तो आप अगले एग्जाम में भी अपियर होते हो। सीजीएल 2019 का टीयर 1 भी हो चुका है, उसमें भी अपियर हुए हैं। करें क्या, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जॉब है नहीं, खाली है, तो एग्जाम में अपियर भी हो जाते हैं ये सोच के कि एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम लोगों की कंडीशन ऐसी हो गई है कि हम लोग मतलब ना ही किसी को कुछ बता पा रहे हैं, ना ही कुछ झेल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के हाथ में केवल पढ़ना था, वो हम कर चुके हैं।